गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक. टुडे आई विल बी स्टार्टिंग लेक्चर नंबर 2 ऑन द टॉपिक मैटर इन आवर सराउंडिंग. हमारे फर्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने इंट्रोडक्शन टू द मैटर देख लिया था, जहाँ पे हमने मैटर को डिफाइन कर लिया. मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, उसके बारे में पढ़ लिया. और एक क्लासिफिकेशन हमने लास्टली पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़. टुडे आई विल बी टेकिंग द सेकेंड लेक्चर ऑन द टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर. अब हमें पता है कि मैटर के अंदर पार्टिकल्स हैं. अब उनकी जो भी प्रॉपर्टीज़ होगी वो मैटर की स्टेट को डिफाइन करने के लिए इम्पोर्टेंस रखती है. तो इसीलिए हम आज ये वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे. बेसिकली हम लोग 3 कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ को लेंगे जो हमारे बुक में मेंशन्ड हैं. व्हाट आर दीज 3 कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़? लेट अस बिगिन. अब कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ द पार्टिकल ऑफ मैटर के अंदर हम लोगों ने कहा 3 प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं आज. फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है पार्टिकल्स की, वो है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम. ये प्रॉपर्टी कह रही है कि जो भी आपका मैटर है उसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस एग्जिस्ट करेगा. अब इसके बेसिस पे हम देखें, वैसे तो हमें सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस स्टेट एज जनरल पता है, लेकिन आगे पढ़ेंगे भी उसमें हम लोग अगर देखें एक सॉलिड जो मैटर है उसके पार्टिकल्स काफ़ी पास पास होते हैं. सॉलिड्स के अंदर स्पेसेस की बात करेंगे तो काफ़ी कम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस एग्जिस्ट करती है सॉलिड में. अगर लिक्विड की बात करेंगे तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस लिक्विड के केस में थोड़ी ज़्यादा होती है सॉलिड से. और अगर गैसेस की बात करेंगे तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस सबसे ज़्यादा इसके अंदर होती है. तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या हो गई? दो पार्टिकल्स के बीच में जो भी गैप है स्पेस है वो. सॉलिड के केस में सबसे कम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस, लिक्विड में थोड़ी ज़्यादा इंटरमीडिएट होगी गैस और सॉलिड के कंपेरिजन में. और गैसेस पार्टिकल्स सबसे ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस रखते हैं. ये हो गई हमारी पहली प्रॉपर्टी. सेकेंड प्रॉपर्टी है कि जो पार्टिकल्स हैं मैटर के वो कंटिन्यूसली मूवमेंट कर रहे होते हैं. दे आर इन कंटिन्यूस मोशन. उनके अंदर कंटिन्यूस मोशन होगा. और हम कह सकते हैं कि पार्टिकल्स के अंदर क्या है? काइनेटिक एनर्जी. अब ये काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई? काइनेटिक एनर्जी को हम डिफाइन करेंगे कि एनर्जी पॉजिस्ड बाय एनी बॉडी बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन. कोई भी चीज़ चल रही हो, कोई मोशन कर रही हो, तब उसके अंदर जो एनर्जी की बात कर रहे होंगे वो काइनेटिक एनर्जी कहलाती है. अब ये तो काइनेटिक एनर्जी होगी क्योंकि हम कह रहे हैं पार्टिकल्स जो हैं वो मोशन में हैं, वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे होंगे इधर उधर. तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है पार्टिकल्स की. देन कमिंग टू द थर्ड प्रॉपर्टी, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर अट्रैक्टेड टूअर्ड ईच अदर. अब ये जितने भी पार्टिकल्स हैं ये आपस में एक दूसरे से अट्रैक्टेड होते हैं. अब इसको हम बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. जिसके भी अंदर, जैसे हम लोग सॉलिड की बात करेंगे इस केस में पार्टिकल्स जो हैं हम देख पा रहे हैं कि बहुत ही पास पास एग्जिस्ट कर रहे हैं. तो इसके अंदर हम ये कहेंगे कि सब पार्टिकल्स बहुत ही टाइटली एक दूसरे के पास पास हैं, तो मतलब इनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा है. लिक्विड के अंदर अगर अपन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करेंगे थोड़ा सा गैप है, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा इनके अंदर कम है. और गैसेस मॉलिक्यूल के बारे में अगर बात करेंगे तो हम कहेंगे कि वो काफ़ी दूर दूर एग्जिस्ट करते हैं, तो उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है सबसे कम होगा, नेग्लिजिबल होगा. तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये है कि जितना ज़्यादा होगा पार्टिकल्स पास पास, जितना कम होगा पार्टिकल्स उतना दूर दूर. और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना पास पास होगा, मॉलिक्यूल्स जो हैं, एटम्स जो हैं वो बहुत पास पास होंगे, तो उनके अंदर मोशन भी नहीं होगा, ना के बराबर होगा. तो उनके अंदर जो ये वाली प्रॉपर्टी है ये भी कम होगी. मतलब सॉलिड के अंदर जो मोशन
वाली प्रॉपर्टी वो कम होगी, वो एक जगह छोड़ के दूसरी जगह पे नहीं जाएगा, बल्कि जो पार्टिकल्स हैं वो अपने ही जगह पे, सॉलिड के केस में जो पार्टिकल्स हैं वो अपने ही जगह पे वाइब्रेशन कर सकते हैं बट अपनी पोजीशन छोड़ नहीं सकते। फिर उसके बाद में बात करेंगे गैसेस पार्टिकल्स के अंदर, तो गैसेस पार्टिकल्स के अंदर क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम है, तो हम ये कहेंगे कि वो आपस में एक दूसरे को इतना अट्रैक्टली बॉन्ड ही नहीं करेंगे, तो वो रैंडमली मूव कर रहे हैं, मतलब उनके अंदर सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है। तो तीनों प्रॉपर्टी आपस में लिंक्ड है। इम्पॉर्टेंट फैक्टर हमने देख लिया कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट प्ले रोल प्ले करता है इनकी प्रॉपर्टी में। ये अगर ज़्यादा होगा तो स्पेसेस कम होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो मोशन भी कम। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिक्विड जो है मॉलिक्यूल्स उनके अंदर इंटरमीडिएट होगा, तो पार्टिकल्स जो हैं वो थोड़े दूर दूर होंगे लेकिन वो एक दूसरे को बाइंड करके रखेंगे, ठीक है। तो उसके बीच में गैप तो है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस, बट वो इतना है कि वो मोशन कर सके। लिक्विड के अंदर मोशन ऑफ पार्टिकल्स एग्जिस्ट करेगा बट एक इंटरमीडिएटरी वे के अंदर। गैसेस पार्टिकल्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड दे आर हैविंग हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी एंड दे कैन मूव फ्रीली अराउंड द स्पेस, ठीक है। ये तीन प्रॉपर्टीज हो गई। अब इनको और अच्छे से समझने के लिए हम लोग कुछ एग्जांपल्स साथ के साथ लेते हैं। जैसे पहली एक्टिविटी की भाई हमारे पहली कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी कि हमारे जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेसेस है। अब वो कैसे हम लोग देख सकते हैं इस कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी को कि जो मैटर है उसके बीच में जो पार्टिकल्स हैं उसके बीच में स्पेसेस हैं, तो इसको देखने के लिए एक एक्टिविटी करते हैं। तो हमारी एक्टिविटी जो इंटरमोलिकुलर स्पेसेस को समझने के लिए वो ये है कि हम क्या करते हैं कि एक बीकर लेंगे, उसमें फिक्स क्वांटिटी ऑफ वाटर लेंगे। मान लो हमने 50 ml वाटर लिया और उसके अंदर हमने एक स्पून सॉल्ट को मिक्स किया। अब हमें पता है कि सॉल्ट डालते ही वो पानी में घुल जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें कैसे घुलेगा, वो कहाँ गया NaCl का सॉल्ट, मतलब NaCl। अब NaCl के जो पार्टिकल्स हैं वो वाटर में कहाँ चले गए, उसको समझने के लिए इंटरमोलिकुलर स्पेसेस का ही कॉन्सेप्ट काम आएगा हमारे लिए। तो वाटर मॉलिक्यूल जो हैं, अब पानी के अंदर क्या है, H2O मॉलिक्यूल्स। पानी क्या है, लिक्विड फॉर्म में है। लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं, वाटर के जो पार्टिकल है H2O, हम ये मानते हैं कि लिक्विड स्टेट के अंदर उनके बीच में मॉलिक्यूलर स्पेसेस हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में एग्जिस्ट करती हैं। अब ये इतने बड़े बड़े पार्टिकल्स बताए हैं बट वास्तव में ये बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होते हैं, वी कैन नॉट सी इट। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस भी बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होगी जो हमें दिखाई नहीं देगी, लेकिन हमें पता है कि जब NaCl वाटर के अंदर डालेंगे तो एक्चुअल में क्या होता है कि जो सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं वो वाटर के इन्हीं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस के अंदर जाके ऑक्यूपाई होंगे। और हम अगर उसको स्टियर करेंगे, सॉल्ट एक बार डाल देंगे तो वो फिर भी नीचे जाके सेटल हो जाएगा। विथ टाइम NaCl के पार्टिकल्स वाटर के पार्टिकल्स के साथ मिक्स होंगे और वाटर पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेसेस होगी वहाँ पे जाके एग्जिस्ट हो जाएंगे। इसी को ही हम कहेंगे कि वो सॉल्युबलाइज हो गया और वो पूरे के पूरे 50 ml जो वाटर हमने लिया है उसके अंदर पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो हमने देखा कि सॉल्ट गया कहाँ पे, वो एक्चुअल में वाटर के अंदर इंटरमॉलिकुलर स्पेसेस जो प्रेजेंट है उसके अंदर एग्जिस्ट करेगा, वहीं जाके ऑक्यूपाई हो जाएगा। उसी प्रोसेस को हम डिसोल्यूशन बोलेंगे। अब इसमें एक चीज़ हम अगर देखें, इसमें पॉइंट टू नोटिस वाली चीज़ है कि हमने 50 ml वाटर लिया और हमने NaCl ऐड किया।
अब NaCl जो ऐड करोगे तो 50 ml वाटर जो है वो उतना ही रहेगा, उसका लेवल राइज नहीं होगा। क्यों नहीं हुआ राइज? बिकॉज हम ये कह रहे हैं कि जो लिक्विड वाटर मॉलिक्यूल के पार्टिकल्स हैं NaCl उसकी स्पेसेस में जाके एग्जिस्ट हो जाएगा, उसको ऑक्यूपाई करेगा, तो उसने एक्स्ट्रा कोई वॉल्यूम कंज्यूम नहीं किया, रादर वो उसी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस के बीच में जाके यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो वाटर लेवल राइज नहीं होगा, सॉल्ट के जो पार्टिकल्स हैं वो उसके अंदर डिजॉल्व किस वजह से हो पा रहे हैं, वो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस जो हैं उस वजह से। अब हम एक चीज़ और देखेंगे कि हमें फर्स्ट जो मैटर की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी हमने बताई थी कि मैटर जो है वो नंबर ऑफ स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स से बना है, इसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। आपने एक चम्मच सॉल्ट लिया और उसको आपने यहाँ पे डाल दिया और हमें ये जो वाटर मिला इसका सॉल्टी टेस्ट होगा। अगर हम लोग देखें एक इतने से ग्लास में नमक डालोगे, थोड़ा सा टेस्ट करोगे तो सॉल्टी नेचर आएगा। आप और उसमें पानी डाल के पियो, फिर भी वो जो NaCl के पार्टिकल्स हैं वो यूनिफॉर्मली वो ज़्यादा जितना पानी ले रहे हो उसमें भी सॉल्ट का टेस्ट हमें आता रहेगा। मतलब NaCl का एक क्रिस्टल भी खूब सारे मल्टीपल NaCl क्रिस्टल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता जाएगा, इसीलिए तो हम जितना पानी डाल रहे हैं, पहले हमने 50 ml लिया, 100 ml किया, एक लीटर तक भी करेंगे, देन ऑल्सो हमें NaCl पूरे एक लीटर वाटर के अंदर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड मिलेगा और हमें NaCl का टेस्ट आएगा। ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए हो गया, ठीक है। अब ये वाली जो एक्टिविटी हो गई हमें समझ में आ गया, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस हैं तो ये NaCl का डिसोल्यूशन हो गया। एक चीज और आप लोगों के लिए कि सॉल्युबिलिटी जो प्रोसेस है हमारी, सॉल्युबिलिटी के लिए बहुत सारे दूसरे रोल इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स भी रोल प्ले करते हैं कि आपका जो है लिक्विड और जो सॉल्यूट जिसमें जो मिला रहे हो वो सेम नेचर, उनके अंदर कोई इंट्रैक्शन बॉन्ड होगा तभी सॉल्युबिलिटी होगी वरना नहीं होगी। लाइक डिसॉल्व लाइक, ये वाला एक जो फैक्टर है आप अपने हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, ये इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ वाटर में डिसॉल्व हो जाए। चलो ये वाली एक्टिविटी हो गई, अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर अपन लोग आते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि जो पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूस मोशन में हैं। इसी एक्टिविटी से मैं आप लोगों को समझा दूंगी कि जो है पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूस मोशन में हैं। अब हम ये देख रहे हैं कि जैसे ही हमने नमक मिलाया, अगर हम ग्लास ले रहे हैं, ये तो बीकर है, ग्लास लिया उसमें नमक मिलाया, हिलाया नहीं हमने अभी तक, नमक मिलाते ही हम थोड़ी सी देर अगर रुक भी जाएं उसके बाद पिएंगे तो वी विल फाइंड कि जो NaCl पार्टिकल का जो फ्लेवर है, सॉल्टी फ्लेवर है, अगर हम सिप लेंगे वी विल गेट दैट सॉल्टी नेचर इन दी वाटर। हमने बिना हिलाए अगर ऑब्जर्व किया तो भी सॉल्ट का जो टेस्ट है वो हमें आएगा। वो कैसे पॉसिबल हुआ? इट हैपन्ड बिकॉज जो NaCl के पार्टिकल्स हैं और वाटर के पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूसली मोशन में हैं और वो एक दूसरे के अंदर डिफ्यूज़ हो जा रहे हैं अपने आप से। तो एक टर्म अपना आया है डिफ्यूजन, अभी आगे इसकी डेफिनेशन बताऊँगी मैं, ठीक है। NaCl आपने नहीं हिलाया तब भी आपको सॉल्ट का नेचर आएगा, ट्राई इट एट होम कि आपको नमक का टेस्ट आएगा ही आएगा, हिलाएंगे तब तो वो मोशन में आ ही जाएगा, ठीक है। तो ये ट्राई करके देखना कि पार्टिकल्स अपने आप से भी उसके अंदर घुल जाते हैं। अगर आप एक ग्लास के अंदर वाटर ले रहे हैं बीकर के अंदर ट्रांसपेरेंट, उसमें एक ड्रॉप ऑफ इंक मिला दें, वो क्या होगा? ब्लू इंक लिया मान लो हमने, तो वो वाटर के अंदर धीरे 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 स्प्रेड होना शुरू हो जाएगा। अल्टीमेटली वी विल सी द वाटर हैज़ टर्न्ड इनटू ब्लू कलर, वो ब्लू इंक उसमें अपने आप ही मिक्स हो जाएगा,
उससे भी हम लोग ये प्रॉपर्टी कह सकते हैं कि जो पार्टिकल्स हैं वो क्या है, कंटिन्यूस मोशन के अंदर है। अब ये जो चीज़ है इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़, सेकेंड अपनी जो करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हम लोग ये देख रहे हैं कि मोशन में तो हैं लेकिन अगर हम एक्सटर्नली टेम्परेचर बढ़ा दें, टेम्परेचर हम लोग अगर बढ़ाएंगे तो पार्टिकल्स जो हैं वो ऑलरेडी मोशन कर रहे हैं, अब उनकी स्पीड क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। स्पीड ज़्यादा होने का मतलब कि उसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो हमने एक और फैक्टर देखा कि पार्टिकल्स मोशन कर रहे हैं जिसकी वजह से दो मैटर आपस में डिफ्यूज़ हो रहे हैं, लेकिन अगर हम एक्सटर्नली हीट टेम्परेचर प्रोवाइड कर दें तो पार्टिकल्स का जो मोशन है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो उससे हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, और जो भी प्रोसेस है डिफ्यूजन का जो हम हीट नहीं देख पा रहे हैं उससे अब जो होगा वो काफ़ी हाई स्पीड में होगा, एट अ फास्टर रेट डिफ्यूजन हमको मिलेगा। अब इसका एग्जांपल बहुत इजी एग्जांपल है कि हम लोग दूध फ्रिज में से निकालेंगे तो उसका टेम्परेचर काफ़ी ठंडा होगा, और उसके अंदर हम लोग चीनी अगर घोलने की कोशिश करेंगे, ऑल दो घुलेगी चीनी उसके अंदर क्योंकि मिल्क जो है वो लिक्विड है और लिक्विड पार्टिकल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेसेस एग्जिस्ट करती हैं, तो चीनी घुलेगी बट उतनी नहीं घुल पाएगी, मैक्सिमम जो शुगर है वो बेस में ही सेटल हो जाएगी। वहीं अगर हमने गर्म दूध लिया होता, अगर हम कोल्ड मिल्क की जगह हॉट मिल्क लेते तो हम ये देखते कि वो शुगर जो है बहुत ईजीली उसके अंदर, बहुत फास्टली उसके अंदर मिक्स हो जाएगी, तो वो टेम्परेचर वाला फैक्टर हो जाएगा। वहीं अगर आप ये नॉर्मल सॉल्ट की भी अगर बात करेंगे तो रैपिड जो डिफ्यूजन होगा, रैपिड मिक्सिंग जो होगी, फास्टर रेट ऑफ मिक्सिंग ऑफ टू मैटर विल ऑलवेज टेक प्लेस व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, जो मोशन है पार्टिकल्स का बढ़ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ेगा। अब आगे बढ़ने से पहले डिफ्यूजन की डेफिनेशन देख लेते हैं हम लोग। मैंने टर्म बोला डिफ्यूजन कि कोई भी एक मैटर के अंदर, जैसे हमने लिक्विड वाटर लिया उसके अंदर NaCl सॉलिड मिक्स किया, वो आपस में मिक्स हो रहा है, तो ये जो इंटरमिक्सिंग ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर जो है, अपने आप ही जो मिक्सिंग हो रही है उसको हम कह रहे हैं डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन का एक बार लिख लेते हैं, तो डिफ्यूजन की डेफिनेशन क्या हो गई, द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट मैटर, डिफरेंट स्टेट ऑफ इन वन अनदर बाय देयर ओन, अपने आप ही दो स्टेट ऑफ मैटर के पार्टिकल्स मिक्स हो जाएंगे, उसको हम कह रहे हैं डिफ्यूजन प्रोसेस। ठीक है, और क्या पढ़ा हमने कि टेम्परेचर अगर बढ़ाया जाए तो डिफ्यूजन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर किसी भी मैटर का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी बढ़ जाएगा। एक और चीज़ डिफ्यूजन से रिलेटेड कि डिफ्यूजन हम कह रहे हैं मिक्सिंग हो रही है, मिक्सिंग कब होगी, जब पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस होगी। अब जितनी ज़्यादा किसी भी स्टेट में स्पेस होगी उतना ही ज़्यादा जल्दी डिफ्यूजन होगा। मतलब अगर सॉलिड लिक्विड और गैसेस की बात करेंगे, वैसे आगे और पढ़ेंगे हम लोग, फिर भी यहाँ पे साथ में बता देती हूँ कि डिफ्यूजन का जो रेट है वो गैसेस के अंदर सबसे ज़्यादा होता है बजाय लिक्विड के एज़ कम्पेयर टू सॉलिड। ठीक है, ये हमारा ऑर्डर ऑफ
रेट ऑफ डिफ्यूजन है, सबसे ज़्यादा गैसेस में, क्योंकि पार्टिकल्स सबसे ज़्यादा दूर दूर गैसेस में एग्जिस्ट करती है. इंटरमीडिएट में लिक्विड हर जगह आपको इंटरमीडिएट में मिल जाएगा, एंड सॉलिड में सबसे कम डिफ्यूजन, बिकॉज सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं. अब थर्ड प्रॉपर्टी पे अगर हम लोग आए, वैसे थर्ड प्रॉपर्टी से पहले एक दो एग्जाम्पल और मैं बता देती हूँ. इसी से रिलेटेड आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर कुछ एक्टिविटीज़ में भी दे रखा है, एक आधा क्वेश्चन भी है कि हम लोग एक रूम में अगर अगरबत्ती ली, इंसेंस स्टिक जो लिया है हमने, अगरबत्ती, धूप अगरबत्ती जो भी है, इंसेंस स्टिक, वो अगर हम लोग ऐसे ही रख दें तो उसकी स्मेल कहीं ज़्यादा दूर तक आपको नहीं आ पाएगी. और अगर इसको जलाएं, अगर इसको लिट किया जाए, तो इंसेंस स्टिक की, उस अगरबत्ती की स्मेल सिर्फ उस कमरे में नहीं बट काफ़ी दूर तक आपको स्मेल आ जाएगी उस अगरबत्ती की. तो इसके पीछे भी रीज़न क्या है, डिफ्यूजन वाला. और डिफ्यूजन भी ज़्यादा कैसे, कब कंडीशन में हुआ है कि जब हमने इसको जलाया, मतलब आपने एक्सटर्नली हीट प्रोवाइड की, टेम्परेचर दिया, उसको जलाया. टेम्परेचर दोगे तो जो भी अगरबत्ती के अंदर उसके वोलेटाइल जो पार्टिकल्स हैं जिसकी वजह से हमें स्मेल आती है, वो पार्टिकल एनर्जाइज्ड हो जाएंगे, उसको एनर्जी मिलेगी, और उसकी काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ गई तो वो और जल्दी डिफ्यूज होंगे, और उसी वजह से वो पार्टिकल्स गैस के अंदर, एयर के अंदर स्पीडली मिक्स हो जाएंगे, बजाय कि वो बिना जली हुई रखी हुई है. तो ठीक है, ये एग्जांपल हो गया. एक मैंने इंक का एग्जांपल लिया. अब ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ का रेट ऑफ डिफ्यूजन उतने ही एक सेम रेट पे हो. आपने वाटर लिया, उसके अंदर इंक डाली, और वो एक बीकर के अंदर वाटर लिया और दो बीकर लिए, उनमें वाटर लिया आपने, एक के अंदर इंक डाला, दूसरे के अंदर हनी डाल रहे हो. आपको ये पता है कि हनी थोड़ा सा कैसा होता है, विस्कस होता है, इट इज़ नॉट फ्रीली फ्लोइंग, वो थोड़ा गाढ़ा होगा. और इंक कैसी है, थोड़ी सी लिक्विडी है, ज़्यादा फ्लोइंग नेचर की है, ठीक है, उसकी विस्कोसिटी कम है. तो जब आप इंक डालोगे तो आप देखोगे कि उसका जो डिफ्यूजन है, ठीक है, वो कैसा होगा, वो फास्ट होगा वाटर के अंदर. हनी लिक्विड ही है, लिक्विड को लिक्विड में मिक्स कर रहे हैं, हनी लिक्विड ही है, लेकिन इसका जो डिफ्यूजन होगा वो इंक के कंपैरिजन में स्लो होगा. ठीक है, तो ये हमने कुछ एग्जांपल देख लिए इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस को लेके, डिफ्यूजन को लेके, जो कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स से लिंक करेंगे, जहाँ पे हम कह रहे हैं कि पार्टिकल्स कंटिन्यूसली मूव करेंगे और अपने आप ही एक स्टेट के पार्टिकल दूसरे स्टेट के अंदर मिक्स हो जाएंगे. और अगर एक्सटर्नली हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, टेम्परेचर दे रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, डिफ्यूजन बढ़ेगा, इंटरमिक्सिंग भी बढ़ जाएगा. ठीक है, हमारी थर्ड कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है कि पार्टिकल्स जो हैं मैटर के, वो आपस में स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं. अब इसके अंदर हम लोग एग्जांपल देखेंगे कि आपने देखा कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो काफ़ी क्लोजली पैक्ड हैं, तो उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमने कहा सबसे ज़्यादा है. सॉलिड के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा, इंटरमीडिएट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिक्विड के केस में, और गैसेस पार्टिकल्स के बीच में सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. अब इसमें अगर हम एग्जांपल देखेंगे तो सॉलिड के केस में, आप अगर अपना हाथ इस बोर्ड से पार करना चाहें तो इट इज़ नॉट पॉसिबल. ठीक है, वो ब्रेक नहीं होगा. कोई आयरन की रॉड है, उसको आप तोड़ना चाहें, ब्रेक करना चाहेंगे, तो इट विल बी नॉट ईजी थ्रो विद द हेल्प ऑफ आवर हैंड्स, हम उसको नहीं तोड़ पाएंगे. वहीं अगर हम लोग एक स्टिक ले लें वुड की, तो सॉलिड ही है. सॉलिड के केस में भी अगर हम लोग देखेंगे तो आयरन रॉड जो है
उसके पार्टिकल्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से बाउंडेड होते हैं, उनके अंदर स्ट्रॉन्ग मॉलिकुलर फोर्सेस एग्जिस्ट करेंगे, तो ये बहुत ही हार्ड होगा, इसको ब्रेक करना ईजी नहीं होगा। अगर एक वुडन स्टिक अगर हम लोग लेंगे, एक थिन वुडन स्टिक हमने लिया, उसको अगर ब्रेक करने की कोशिश करेंगे तो क्या तोड़ पाएंगे हम लोग? ईजीली हम विद द हेल्प ऑफ हैंड हम उसको तोड़ पाएंगे। उसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आयरन के रॉड, आयरन रॉड के कंपैरिजन में कम है, लेकिन फिर भी लिक्विड के केस से इसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा ही है। अगर हम चौक लें, चौक भी सॉलिड है, इसके अंदर भी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड एंड गैसेस, बट फिर भी चौक को आप एकदम ईजी वे में ब्रेक कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू आयरन रॉड एंड वुडन स्टिक। चौक के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम है। प्रॉपर्टी देखिए, अभी हमने इनको आपस में भी कंपेयर कर लिया। अब अगर लिक्विड की बात करेंगे, लिक्विड के पार्टिकल्स में मैंने कहा जो मॉलिक्यूल्स हैं उस लिक्विड मॉलिक्यूल उनके बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेसेस एग्जिस्ट करती हैं, फोर्सेस जो होते हैं वो इंटरमीडिएट हैं। तो वाटर में अगर आप हाथ फ्लो करेंगे, हाथ को मूव करेंगे, तो इजीली यू विल बी एबल टू मूव योर हैंड फ्रॉम दी वाटर। अगर आपने नल चलाया है तो वो जो फ्लोइंग वाटर है उससे आप इजीली हाथ को आर पार मूव कर सकते हैं। तो लिक्विड के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करते हैं, वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते कि आप उसको ब्रेक नहीं कर पाए। सॉलिड के कंपैरिजन में जो लिक्विड है उसमें इजीली ब्रेक कर पाते हैं। गैसेस की बात करेंगे तो गैसेस में तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल होता ही है। अगर हम लोग अगर बात करें, एक शैलो वाटर एरिया है और उस पानी के अंदर हम लोग अगर चल रहे हैं तो हमें पानी में थोड़ा फोर्स लगेगा, स्टिल वी विल बी एबल टू वॉक थ्रू दी वाटर। उस पानी से हम लोग चलेंगे, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा क्योंकि वाटर के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट कर रहा है गैसेस से ज़्यादा। अगर हम वही वॉकिंग एक नॉर्मल रोड पे करेंगे तो वहाँ पे गैसेस पार्टिकल्स हैं, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल है। तो हमें किसी भी तरीके का कोई हिंड्रेंस वाइल वॉकिंग ऑब्जर्व नहीं होता, यहाँ पे हम लोग ईजिली मूव कर सकते हैं, ईजिली अपना हैंड फ्लो कर सकते हैं। तो ये हमारे तीन करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स हो गई। अब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो हम देखेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर के ऊपर। टिल देन गुड बाय।